अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सही सलामत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पकौड़ा। और ये आलू पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और क्रांसी बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। आप गरम गरम चाय के साथ खाए या फिर कुछ सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं इसे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू लिया है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। और आलू को छील लेना है पहले और उसके बाद धो लेना है। और अभी मैं इस आलू को ग्रेट कर रही हूँ और ज़्यादा महीन नहीं करना चाहिए। ये जो आप ग्रेट कर रहे हैं थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तो थोड़ा मोटा वाला ग्रेटर से आप ग्रेट करें इसे, या फिर आप छुरी से भी कट सकते हैं। तो इस तरह मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद अभी हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और उसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून किचन किंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास किचन किंग पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। और 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, तो सख्त होने से अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी तरह से तरह मिक्स कर लेना है। तो ये अभी फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसमें तेल गरम करेंगे। मीडियम हीट पर तेल गरम होने के बाद हम हाथों से छोटे छोटे पकौड़े के साइज़ में डाल रहे हैं। तो अब जितना आप चाहे तो बड़े साइज़ में भी डाल सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो इसे अभी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। मीडियम आंच पर ही फ्राई करें। तो अभी लाइट ब्राउन हो गया है तो मैं इसे पलट रही हूँ। तो अभी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो अभी देख रहे हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह गोल्डन ब्राउन का होने तक इसे फ्राई करें और बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। तो अब देख रहे हैं ये बहुत ही आसान है बनाना। तो रमज़ान की इफ्तार के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगे। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज़।